क्या नाम है आपका? श्याम। और क्या हुआ है आपके साथ, किसने पैसा लिया है आपका? वो मनोज साहू ने लिया है। किस बात का पैसा है? वो हम उसके पास काम करते थे, वो हमको कपड़ा मटेरियल देता था, हम उसको काम बैग बना बना करके देते जा रहे थे। वो धीरे धीरे पैसा जमा हो गया, वो अब बोलता है कि हिसाब करने बोलते हैं तो हिसाब भी नहीं करता है, डायरी भी ले ले लिया हमसे। और अभी उसके पास जाते हैं दुकान पे तो वो उल्टा सीधा बात करता है, बोलता है तुम्हारा पैसा नहीं है, डायरी नहीं है, और डायरी रख लिया, पैसा भी नहीं दे रहा है, और काफ़ी दिन से 2 साल से घुमा रहा है। कितना पैसा है? 1,80,000। अच्छा, तो अभी जब आप अभी हाल में कभी गए थे उसके? अभी 17 दिन के पहले गए थे। हाँ, क्या बोला? वो बोल रहा है कि पहले वो तुम जो मेरा कपड़ा है वो दो, तो कपड़ा तो माल बना बना करके देते गए, अभी बोलता है कि बोल कल आना परसों आना, ऐसे करके घुमा रहे। अच्छा, इसके लिए आपने पुलिस वगैरह में शिकायत नहीं की? अभी तक तो नहीं की, अभी तक घूम ही रहे हैं, बोलता है आज आओ कल आओ, ऐसे करके 2 साल से घूम रहे हैं। पुरावे के तौर पे कुछ है आपके पास? क्या मतलब डायरी वगैरह कुछ? डायरी नहीं, हम अपना कॉपी में लिख के रखते गए हैं, वो डेट मारते गए हैं कि इतना डेट को इतना माल दी, डायरी भी ले लिए। वो डायरी एक ले लिया, एक अपना रूम पर जिसमें हम माल अपना देते थे। हाँ। वो हम अपना लिख करके रखे हैं कि इतना तारीख को इतना माल दी। अच्छा, बीच में बोला कि मैं गोदाम का कैमरा निकालता हूँ, तुम माल ही नहीं दिया। मैं बोला ठीक है कैमरा निकालिए, कैमरा नहीं निकलेगा तो मैं नहीं मान। तो वो फिर बीच में बोला आज आओ कल आओ कैमरा देखता हूँ, कैमरा देखता हूँ, अभी तक कैमरा भी नहीं देखा। आपका पूरा नाम क्या है? श्याम सुंदर प्रसाद यादव। कहाँ पे रहते हैं? उल्लासनगर। किधर? वो शिव मंदिर के सामने, दीपक माथरे शाह। ओके।